वेल्डिंग कैसे करते हैं ना, यानी गैस चालित पाइपों को वेल्ड कैसे करते हैं, और एसी फ्रिज में आप काम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत सारे पाइपों को वेल्ड करना पड़ता है ना, जैसे कि आपका कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन पे आपको पिन वाल्व वेल्ड करना पड़ता है, इसके अलावा डिस्चार्ज लाइन को सर्कल लाइन को वेल्ड करना पड़ता है। चालू है पाइपों को वेल्ड करते हैं वो पहले कंफर्म कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका ये रहा, इसको बोलते हैं ये एक्चुअली जो फिल्टर टायर है तीन मुंह वाला, देखा ना, एक इधर मुंह और एक इधर मुंह और एक इधर मुंह। इसमें क्या करते हैं, इसके द्वारा हम करते हैं सिस्टम को जो वैक्यूम करना होता है तो इसका यूज किया जाता है, ठीक ना, सिस्टम को वैक्यूम करते समय। तो एक मुंह में पाइप वेल्ड करके छोड़ देते हैं और एक को क्या करते हैं, एक को ओपन छोड़ देते हैं, और यहाँ पर वेल्ड करते हैं कैपिलरी पाइप को। आज बताएं किस तरीके से पाइप को आप वेल्ड करेंगे, ठीक ना, यानी कि पतली पाइप है तो बहुत सारे लोग उसको वेल्ड करते समय गला देते हैं तो वेल्डिंग नहीं कर पाते, उसको किस तरह से करेंगे उसको हम आज करके प्रैक्टिकली दिखाएंगे। बाकी पाइप को वेल्ड करना हो तो कैसे करेंगे बोर्ड पर देखते फिर करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से किया जाता है। जब दो पाइपों को आपस में वेल्ड करना होगा और हम डायरेक्टली इस तरह से वेल्ड करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसके लिए करते क्या है, एक पाइप के मुंह को चौड़ा कर देते हैं और एक पाइप का मुंह सेम छोड़ देते हैं, तो इससे आसानी से वेल्ड जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा ये पाइप है और यहाँ मैंने ट्यूब कटर लगा रखा है, अगर मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से तो फटाफट से करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये घुमाते रहना होता है और यहाँ से ऐसे कसना होता है हल्का सा, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आराम आराम से यहाँ लगा के इसे कसते हैं एक बार, ठीक है, फिर घुमाते हैं। तो देखिए ये क्या हो चुका है, कट चुका है। अब हमारे पास दो पाइप आ चुके हैं ना, देखिए यहाँ पे दो पाइप आ गई। अगर इनको ऐसे रखकर वेल्ड करेंगे तो सही वेल्ड नहीं होगी। इसके लिए करेंगे क्या, एक पाइप मुंह को चौड़ा करेंगे और एक को सेम छोड़ देंगे, ठीक ना, इससे क्या होगा इसके अंदर चला जाएगा और आसानी से वेल्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको एक्चुअली वेल्ड हम यहाँ पर करेंगे, जब गैस चालू करना होता है यहाँ पर एक पाइप वेल्ड करनी होती है ना, यहाँ पर आराम, देखिए इसके अंदर चला गया, इसको ऐसे हल्का सा मोड़ करके नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर इसको वेल्ड कर देंगे, ये तो कंडेंसर चला जाएगा और यहाँ पर वेल्ड करना होता है कैपिलरी, तो वो टोटल करके इसी पर दिखाएं कैसे वेल्ड आपको करना है। तो पहले पाइप का मुंह चौड़ा करने के लिए क्या आपको यूज करना पड़ेगा वो देख लीजिए ध्यान से, यूज करना पड़ेगा इस वेल्डिंग टूल का, यहाँ पर सबिंग टूल हम इसे यूज कर लेंगे। इसकी क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें डाल देंगे इसको और हल्का हल्का ठोक ठोक के इसके मुंह को चौड़ा कर लेंगे। किसी चीज से आप ठोक सकते हैं तो इसको पकड़ करके और इसको हल्का सा ऐसे ठोक लेंगे अच्छे से पकड़ने के लिए किसका यूज करेंगे बता देता हूँ। ये आपका होता है फ्लेयरिंग टूल, इसका अच्छे से यूज करें, यानी 1/4 की जहाँ लिखा होगा यहाँ पे 1/4 लिखा है ना, तो 1/4 वाले पे क्या कर देंगे, 1/4 जहाँ लिखा होगा उसमें इस पाइप को डाल लेंगे। तो ये पाइप जो है 1/4 की है और इसके अंदर हम इसको डाल लेते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, और हल्का सा इसको ऊपर कर लेंगे ऐसे करके, इसमें इसे लगा था कि जब ठोके ना तो वो नीचे ना जाए ना, प्रॉब्लम ना, आराम से उसका मुंह चौड़ा हो जाए और इसको टाइट कर लेते हैं अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसको इसमें लगा देंगे और अब लगाएंगे ठोके तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, इसके लिए बस इसका यूज करते हैं इससे। देखिए यहाँ देखिए मुंह इसका चौड़ा होता जा रहा है, बस जब ठोकेंगे तो क्या हो जाएगा, मुंह इसका चौड़ा हो जाएगा। एक्चुअली इसका जो लकड़ी का हथौड़ा होता है या तो लोहे का हथौड़ा, तो उससे काफी परफेक्ट काम करेगा ये, इसका मुंह जो होगा ना आराम से चौड़ा हो जाएगा। देखिए चौड़ा हो गया है ना, थोड़ा सा और इसको ठुक लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको आराम से ऐसे निकाल लेंगे, देख लीजिए ये बिल्कुल फिक्स अप, इस तरह से चौड़ा मुंह इसका हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इस वाली पाइप को आराम से इसके अंदर देखिए डाल सकते हैं, गया ना, तब इसके अंदर जब जाएगा तो वेल्डिंग बिल्कुल अच्छे से, यानी कि इसके ऊपर वेल्डिंग जब आप करेंगे तो आराम से वेल्डिंग होगी। वेल्डिंग करने के लिए इस वेल्डिंग राड का यूज करते हैं इस तरीके से, ठीक ना, इस पर जब ऐसे पोत देंगे ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिक्स अप वेल्ड हो जाएगा। अब चलिए ये रहा है पाइप को जो वेल्ड करते हैं, तब क्या करते हैं, तो ऐसे ही आपको एसी फ्रिज में वेल्ड करना होता है, यानी कि कंप्रेसर की ये सारा कुछ जो पाइप ऐसे मैं बाहर बता रहा हूँ इसी को आपको वेल्ड करना होता है, कंप्रेसर की डिस्चार्ज यानी कंडेंसर पाइप को वेल्ड करना होगा, कंडेंसर के अंतिम से क्या वेल्ड करना होगा, इस तरीके का फिल्टर गार्ड जो मैं दिखा रहा था दो मुंह वाला तीन मुंह वाला वो वेल्ड करना पड़ेगा, है ना, ये वाला
आपका फिल्टर टायर भी आपको वेल्ड करना होता है। ये फिर फिल्टर टायर जैसे आवाज करता है ना इस तरह से, वो आपका होता है ड्रायर। और जो इसका जाली इस तरह दिख रही अंदर देखेंगे ध्यान से तो जाली दिख जाएगी, वो आपका होगा ड्रायर। जाली दिख जाएगी यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये जो दिखती है ना इसके अंदर की, ये आपका क्या है, इसका फिल्टर है, ठीक ना। जाली टाइप का अंदर इसमें दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो अंदर जो दिखता है जाली वो आपका होता है फिल्टर, और जो इसके अंदर आवाज करता है वो होता है ड्रायर, गैस को सुखाने का, मतलब लिक्विड न जाए पेड़ी के पास, क्योंकि क्या भेजना होता है, वाष्प भेजना है, यानी कि आपका जाता है बिल्कुल गैस वाला रूप, लिक्विड नहीं जाता, जाकर कूलिंग कॉइल में लिक्विड, मैंने बता रखा है अपनी कार्य प्रणाली वाली वीडियो में। चलिए इसको पॉइंट को देखते हैं कैसे आपको वेल्ड करना फटाफट से। ये सारा कुछ आपको जहां जहां वेल्ड करना इसी रूट पे आप क्या करेंगे, वेल्ड करेंगे। अब वेल्डिंग करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है उसको भी देख लीजिए फटाफट से। ये आपका गैस सिलेंडर नॉर्मल इसका यूज करते हैं, अगर आप बड़े आकार में फ्रिज बनाते हैं तो बड़ा वाला सिलेंडर यूज कर सकते हैं। मेन ये होता है ब्यूटेन गैस होती है, यहाँ पे लिखा होगा है ना, तो ब्यूटेन गैस होती है, एलपीजी गैस का ये दूसरा रूप है, एलपीजी ही समझ लीजिए क्या है। इसका भी आप इसको कैसे करना होता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस वाले को बीच में लाना होता है, यहाँ दिख रहा है ना एक उठा हुआ हिस्सा होता है ऐसे, और एक ऐसे बीच वाला, बस यहाँ ला करके सेम नॉर्मली अब करना क्या है, इस कटे हुए हिस्से, कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, इस कटे हुए हिस्से में इस वाले हिस्से को, उभरा हुआ हिस्सा इसका होता है, इसका कटा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पर सेम इस तरीके से कुछ रखना होता है। देखिए ऐसे रखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दबाएंगे। अब देखिए ये ओपन है तो इसको हम पहले क्लोज करेंगे, इसलिए इसको ओपन कर छोड़ा था, तो इसको ऐसे क्लोज कर लेंगे, ऐसे लगा क्या करेंगे इसको अच्छे से यहाँ पे बस घुमा देते हैं, ठीक ना, इस तरीके से। तो ये घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा आपका लॉक हो जाएगा, देखिए लॉक हो गया ना। अब इसको निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, निकालने के लिए फिर क्या करना होता है, ऐसे हल्का सा दबाना होता है और फिर ऐसे घुमाना होता है और फिर खींच लेना होता है, ये क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं, फिर से देख लीजिए, और इसको इसके जगह पे यहाँ क्या करते हैं, सेटअप पे इसके मुंह पे ऐसे रखते हैं और फिर दबाते हैं, दबा कर क्या करेंगे इसको घुमा देंगे अच्छे से, जब घुमा देंगे टाइट हो जाएगा, अब ये गैस क्या करेगा निकलेगा, ठीक ना। अब चलिए भाई इसको जला करके चेक करते हैं सही से जल रहा है कि, तो जलाने का भी समझ लीजिए, जलाने के लिए क्या करते हैं इसको हल्का सा इसे पहले ओपन कर लेते हैं, हल्का सा ओपन करेंगे यहाँ से ऐसे खोल लिए ना, बिल्कुल हल्का सा ही खोलते हैं ताकि हल्के हल्के आवाज आए, और यहाँ से क्या करते हैं इसको हम यहाँ से माचिस जलाते हैं, इसके एक साइड पे आराम से ऐसे लगाना होता है, ठीक है ना, ये जल जाएगा, वैसे आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये बुझ जाएगा, तो सामने नहीं लगाना, मैं दिखा रहा हूँ फिर से एक बार आपको, देखिए अब बंद हो गया, ऐसे आपको जलाएंगे तो बुझ जाएगा, तेज रहेगा तब कम रहेगा तो दिक्कत क्यों नहीं करेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लास्ट में क्या करना है बिल्कुल इतने पे छोड़ दीजिए, बार बार इसको बुझाना जलाना नहीं होता, ठीक ना, अपना फिर अपना वेल्ड करने के बाद टोटल जो काम करने करिएगा। तो हमारे पास एक तो आता है इसके अंदर ऐसे रिवर्स सिस्टम का होता है, वो गैस को रिवर्स होता है, हम क्या करेंगे इसका यूज कर लेंगे, गैस क्या हो सके रिवर्स हो सके, ठीक ना। चलिए फटाफट से वेल्ड करके दिखाते हैं कैसे आपको वेल्ड करना है, तो हम यहाँ पर कैपिलरी ही पहले वेल्ड करेंगे, ठीक ना, कैपिलरी इसके अंदर वेल्ड करने के लिए करते होती है कैपिलरी पाइप, और ये काफी ज्यादा पतली पाइप होती है, इसके अंदर का जो छेद होता है ना काफी कम होता है, ठीक, और इसी को हम क्या करना होता है वेल्ड करना होता है इस पे, और वेल्ड करने में कुछ सावधानियां होती है, इसलिए मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको कि इसको कैसे वेल्ड करते हैं। तो यही आपको वेल्ड करना, थोड़ी कुछ लोग करते हैं इसको बेकार कर देते हैं, चलिए फटाफट से इसको वेल्ड कर दिखाते हैं। ये आपको यहाँ पर रख लेना है इस तरीके से, इसके अंदर ऐसे डाल देना होता है, ठीक ना, और इसको हमको जला देना है, ध्यान से देखिए, चलिए ध्यान से देखिए इसको क्या करना होता है, यहाँ पर फोर्स गर्म करना होता है इस साइड, ठीक ना, यहाँ पर ऐसे आपको गर्म करना है इसको, तेज करना थोड़ा सा, यहाँ पे गर्म करेंगे और इसको भी साथ साथ गर्म करेंगे इसको भी, तो ये बस इतना सा ही टाइम लेता है और ये वेल्ड हो चुका है, ठीक ना, और से करेंगे। हाँ वो चारों तरफ घूम जाता है ना, देखिए अंदर आप देखेंगे इसमें कहीं वेल्डिंग नजर नहीं आएगी, बिल्कुल प्योरली वेल्डिंग हो चुका है, ठीक है, देखिए अंदर से एक बार आप जूम करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर ये कहीं भी कुछ छूटा नहीं है, तो गलती से आप जो वेल्ड करेंगे तो ये देखिए हल्का सा एक बार गर्म करना होता है, ठीक ना, इधर साइड पे, इस साइड पे छुएंगे नहीं इसको, बिल्कुल गर्म होगा काफी ज्यादा, तो ये बिल्कुल वेल्ड ऑटोमेटिक क्या करता है ना, ये जो ये है इसका वेल्डिंग राड,
वो चारों तरफ घूम जाते हैं। एक बार सब लोग देख लीजिए ध्यान से लेकर के, कहीं बिल्डिंग छूटा नहीं होगा। नहीं, वो एक बार में थोड़ा सा करने पे ही हो जाता है क्लियरली, ठीक ना। अभी गर्म होगा तो उसे टच नहीं, सर घुमा सकते हैं चारों तरफ। संतुष्टि की कोई बात ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक सही से हो जाता है, ठीक ना। एक बार अगर आप गिराएंगे ना तो एक बार घुमाने पे ऑटोमेटिक सही से हो जाता है, ठीक। नहीं, अब दूसरी पाइप वेल्ड करके हम चेक कराते हैं आप सबको कि ये वाला, ये जो इधर वाला साइड है, इसको कैसे वेल्ड करते हैं आप, ठीक ना। अब इस वाली पाइप को हम वेल्ड करते हैं यहाँ पर, और इसको भी एक बार दिखाते हैं कैसे इसको वेल्ड करेंगे। तो ये भी काफी आसानी से वेल्ड हो जाता है, वेल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक बार वेल्ड कर देता हूँ, फिर इसको ऐसे आप लोगों से वेल्ड करवाएंगे। तो देखिए ये हल्का सा यहाँ पे गर्म करें, अभी इनके दोनों के बीच में ऐसे यहाँ पर फोकस डालना होता है, ठीक ना। अभी इसका मैं लाइट तेज करूंगा, तो देखिए ये साथ साथ इसको भी गर्म करेंगे, ठीक ना। बस मैंने इसको भी कम्प्लीटली वेल्ड कर लिया। अब कहीं से छूटने का चांसेस नहीं है। अगर चांस आपको लगता है, डर लगता है कि छूट गया होगा, तो इस साइड से चाहे तो आप वेल्ड कर सकते हैं, ठीक ना। हल्का से एक बार राउंड घुमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका मुंह चौड़ा जब होता है तो वहाँ पर जाता है। इधर से मैं एक बार कर देता हूँ, देखिए कैसे घुमाते हैं वो, इसे देख लीजिए। इसको जब वेल्ड करें तो घुमा देंगे, ताकि वो भी सस्पेंशन ना रह जाए, कहीं लीकेज ना हो जाए। तो लीकेज को चेक करने के लिए ये आप देखिए, अभी ये 100% कहीं भी छूटा नहीं होगा, ठीक ना। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए अभी गर्म होगा शायद, नहीं गर्म नहीं, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे ये बिल्कुल प्योरली वेल्ड हो चुका है चारों तरफ से, कहीं भी छोटा नहीं होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको वेल्ड करना होता है। ये वाला जो मैं सीधा छोड़ रहा हूँ, इसको आपको वेल्ड करना है कंडेंसर, बताया था मैंने ना। तो ये तो मैंने दोनों में कैपिलरी वेल्ड कर दिया, यहाँ पे इसको वेल्ड कर दिया, अब यहाँ पे क्या वेल्ड करना होगा, कंडेंसर। ऐसे ही पाइप होते हैं कापर के, और आसानी से वेल्ड हो जाते हैं, ठीक ना। इनको निकालना होगा वापस, चलो निकालना भी दिखा देते हैं कैसे इसको हम निकालते हैं, ठीक ना। तो निकालने के लिए इसको हीट करते हैं वापस, और हीट करके इसको निकाल लेंगे, ठीक ना। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, तो पिलास लेकर के आइए। देखिए ध्यान से वापिस कैसे छुड़ाते हैं वो समझ लीजिए। छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया अपनाते हैं। मैंने वेल्डिंग करना सिखाया, अब छुड़ाना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर हल्का सा गर्म करेंगे, और कुछ भी लेंगे, पिलास लेंगे, चाहे ऐसे पेपर किसी का यूज कर लेंगे, और जब बिल्कुल लाल हो जाए ना तो यहाँ से खींच लेते। देखिए ये पूरा गर्म हुआ, अब देखिए अब पिघलने लगा ऐसे, है ना। अब ये हिल गया आराम पर, जैसे खींच लीजिए लगाने के वापस, इस तरीके से वापस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक ना। और वेल्ड करने के लिए फिर से वही क्रिया अपनाएंगे, आराम से राड उठाएंगे, राड को गर्म करेंगे, और क्या करेंगे, एक बार इसको ऐसे ऐसे घुमा देंगे, ठीक ना। ये हो गया वेल्ड, अब इसको कर देंगे बंद। बस इतना सा वेल्ड करने में करना होता है, ठीक ना। तो निकालना भी आसान है, वेल्ड करना भी आसान है, बस सबको ना।